अलावे साहब का खाना की तरफ से आतिफ के लिए, जो तीन विनर होगी उसे 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अगर हम माहौली की तरफ से आए टोटल 3500 रुपए का इनाम हो चुका है विनर पर। आतिफ को 100 रुपए का इनाम जनाब से राहुल 300 आपका खाता की तरफ से। बिल्कुल यहां पर मोहम्मद आतिफ के खूबसूरत शार पर बरेलिया के मौजूदा प्रधान की तरफ से 500 रुपए का इनाम आया। तालियों से इस्तकबाल किया जाए। बहुत ही सुंदर खेल रसाकशी में डिफेंस लाइन में इशारा अभिमन्यु राय खूबसूरत बिछाओ बालशाली आलम के लिए अजमल साहब की तरफ से 100 रुपए के नाम मिस्टर मोहम्मद आतिफ के लिए और अब्दुल मन्नान साहब की तरफ से 100 रुपए के नाम आतिफ के लिए। ये दोनों असाद का नाम आया माफ कीजिए। दोबरा रेजिमेंट ला फर्स्ट टाइम आर स्टेकन बाई दोबरा रेजिमेंट पता आलियन था साहब आप इसको आप क्रिएट इनाम आ रहा है क्या किया यारी हूँ ये मुकुल हूँ ये आलम हूँ ये आसानी हूँ और दोस्तों मैं बता दूं कि अनजान शहीद के नुमान से तबीयत तस्लीफ है। मैं देता हूं कि मिस्टर आली दुनियाए वाले वाले का सिर बनकर नौशाद और लंकन साहब के हमारा जनाब नौशाद अहमद साहब बहुत ही तय करता हूँ मुबारक करके सरजमीन से आप आ चुके यानी मोस्ट सीनियर खिलाड़ियों का यहाँ पर एक हजूम देखा जा रहा है। फिर एक सर्विस पर दोबरा रेजिमेंट आर्मी फैजाबाद स्टेडियम खचाखच भरा हुआ बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला। अच्छा शॉट निखिल की नजरों के सामने बाल डाउन आप इन स्कोर पर यह पहला सेट जो देर से तमाश बिरान की ताजा जानकारी के बारे में मेमोरियल स्टेट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का यह पहला सेमीफाइनल मैच फाइव का पहला सेट आप इन पर चलता हुआ कबाटा सर्विस अच्छी सर्विस डिफेंडर भाई धर्मेंद्र भाव उछाली गई निखिल के लिए लेकिन अच्छा बचाव किया उछाली गई अभिमन्यु राय हिट बार यहाँ पर शॉट भाई मिस्टर अभिमन्यु राय नाइन अगेंस्ट थ्री तनी बरकल पता नहीं कैसे होता है बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होता हुआ बालोशाली के आलम के लिए ग्रैंड ब्लास्ट ज्वाइंट ड्रॉप अभिमन्यु यहाँ पर निखिल मुकुल और मोहम्मद आतिफ का ज्वाइंट ब्लास्ट एक अच्छा तालमेल 10-3 आसाम सरहुद्दीन सर्विसर अच्छे सर्विस बाल को लिया अंकित ने धर्मेंद्र ने छाल दिया अक्षय कुमार के लिए लवली टच और भाई अक्षय कुमार बहुत ही बेहतरीन काउंटर अटैकर मिस्टर अक्षय कुमार से गोष्ठ मोहम्मद आतिफ लवली शार भाई मोहम्मद आतिफ जी हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि वालिद मोहतरम बिन के वालीबाल के अच्छे असीम फनकार है जनाब जमालुद्दीन साहब का यह चराग उसी नक्शे कदम पर आगे बढ़ता हुआ 3-10 महबूब ने महबूबा के आरिस को सहलाया हो क्या दिलकश नजारा आली का नजाकत भरा अंदाज डिफेंडेड धर्मेंद्र भाई उछाली गया आलम के लिए अच्छा हाथ दिया मोहम्मद आलम ने 12 नंबर किड में लेकिन कहीं ना कहीं पहले सेट में 7 पॉइंट से पीछे है दोहरा रेजिमेंट आर्मी बटालियन फैजाबाद स्कोर 3-7, 3-10 ये पहला सेट और पहले के लिए संघर्ष होता हुआ अभिमन्यु हिट पर अच्छा शॉट दिया था अभिमन्यु राय ने ज्वाइंट ब्लॉकरों के गैप से बॉल डाउन
और ये आउट और राइट का चक्कर कश्मकश भरा, कहीं ना कहीं गलत फैसला लीड होगा, डिफेंडर ने गलत फैसला किया, नतीजा ये होगा कि बाल इन रही और इन फॉर द पॉइंट, एरर इन थ्री। और अनजान शहीद से आप तशरीफ लाए हैं दयान चिश्ती, मैं उनसे गुजारिश करूं कमेंडी बॉक्स में आ गया दयान चिश्ती अनजान शहीद, जो पांच नेशनल मैच को रिप्रेजेंट कर चुके हैं मादा हॉस्टल टीम में अपना जला बिखरा था। इसको हसान को 100 रुपए की नाम अब्दुल मन्नान साहब चक्रहता की तरफ से, हसान बाल को लिया खिलाड़ी लेकिन बनाया गया बिल्कुल बड़ा ही प्यारा ब्याप ज्वाइंट ब्लॉक और अच्छा तालमेल मिस्टर आलम और अंकित ज्वाइंट ब्लॉक फाइव रेलिंग सर्विस धर्मेंद्र दो नंबर किर में डिफेंडर लवली आसमान शर अली लवली शार भाई मिस्टर अली शार को देखने के बाद अगर कहा जाए कि मुझे रोकना है तो समंदर ही मुझे रोकेगा, आपका रास्ता जंगल नहीं होगा करते सभी रहना साहब बता रहे थे 200 रुपए के नाम चले जाए दूसरे गाँव के हमारे कुर्ती घरा लिया काटो ऐसा अगर कर देते लोग तब गाय 200 रुपए के नाम एक माहौल 100 रुपए के नाम प्रधान कटौली की तरफ 500 रुपए के नाम मिस्टर मोहम्मद 100 रुपए के नाम। अरे यार तो जाकर वहाँ बैठक नहीं आई स्टेट पर इनाम इकराम की बारिश होती हुई इस तरह से एक बार फिर लवली शार भाई निखिल दाश दिया आलम ने काम को तमाम किया निखिल ने ऐसा जिस अपने नाम कर दिया निखिल को 100 रुपए के नाम फिर मन्ना साहब पकड़ाता की तरफ से निखिल के लिए भाई दयान चुस्ती अनजान शहीद के मंडी बॉक्स में आ जाए भाई अनजान शहीद से चल कर यात्राएं दयान चुस्ती आपका मंडी बॉक्स में आ जाए दयान चुस्ती क्योंकि आप कहीं भी रहते हैं आप दिखाई देते हैं कद आप राज सबके मालिक लैंकिल हैं आप छुप नहीं सकते जी हाँ शुक्रिया 100 रुपए के नाम मोहम्मद आफिक के लिए मौजूदा प्रधान कदरहता की तरफ से आफिक किधर है आफिक के लिए 100 रुपए के नाम इनाम ग्राम की बारिश होती हुई लगातार खिलाड़ियों के लिए इस तरह से ये मुकाबला चलता हुआ बहुत ही दिलचस्प अंदाज में ₹1,000 का इनाम अकरम माहौली की तरफ से और ₹2,000 का इनाम मन्नान प्रधान ककराता की तरफ से
और 500 रुपए की नाम है बिना टीम के लिए। शफकत रफीक की तरफ से यानी टोटल 3500 रुपए की नाम है विनर जो टीम होगी उसके लिए। अब तक ये विनर के 3500 रुपए की नाम आ चुका है। पहला सेट काफी बहुत बना लिया है ककराटा ने 13-5 और ये अनजान शहीद से प्रयास को गाय मिस्टर दयान चिश्ती कहीं भी रहेंगे नजर आ जाएंगे। तालियों से इस्तेमाल करें आप लोग, क्यों खामोश हैं। एक नंबर और ये अक्षय कुमार रखिम बनाए गए बहुत प्यारा ब्लॉक 14-5 14-5। पहला सेट बहुत ही रसाकशी में चलता हुआ, एक लंबा फासला है और ये आसान सफर दिन बल था टारगेट था आलम ना देना। 15-5 से पहला सेट इकबाल गलत ककराहटा के अगमरा दूसरे भी ग्राउंड चेंज करते बेवती में और दूसरे सर की पहली सर्विस से कॉमेंटो के लिए हम चलते हैं अपने साथी कॉमेंटेटर जनाब मास्टर ने सर अहमद शुक्रिया। दूसरा सेट चंद लम्हे में शुरू होने वाला है। एक खूबसूरत मंजर और इस दरमियान एक खूबसूरत मैच, एक मेयारी मैच इस रोशनी के झोबट में, और कहा जाए क्यों न जल्द हो जाए इस हसी नजारे में, रोशनी का झुरमुट है, मस्तियों का घेरा है। इस दरमियान ये पहला सेमीफाइनल अकबाल मेमोरियल स्टेट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का डोंगरा रेजिमेंट आर्मी फैजाबाद वर्सेस होस्ट टीम अकबाल क्लब का ककराहटा एक। पहला सेट ककराहटा एक के फेवर में रहा। दूसरे सेट की तैयारी चंद लम्हे में दूसरा सेट शुरू होने वाला है। हाँ, ये रेफरी का इशारा। हाँ वो तो हो जाए। हाँ, 1000 अकरम आहुली की तरफ से किसको एक विनर टीम को, 2000 मन्नान साहब की तरफ से और 1000 सबका तरफ की तरफ से, और ये 500 टच आउट टोटल 3500 विनर टीम को। और इसके बाद अपना इनफरादी इनाम है और खिलाड़ियों का अपने अच्छे खेल के मुजाहरा करने पर उनको इनफरादी इनाम मिला हुआ। सर्विस कांड असाद सरफुद्दीन सर्विस बाल को लिया धर्मेंद्र ने, मुकेश आलम के लिए और आलम ने खल का कामयाब है हल, आलम का सब चेंज होकर फैजाबाद लपटू धर्मेंद्र रिबाउंड लिया सानीगंज मुकुल के लिए, मुकुल लंबा हैंडे बैठे इसी के साथ स्कोरिंग का आगाज 1-2 सर्विस कंटिन्यू इन फेवर ऑफ डोगरा रेजिमेंट कोर फैजाबाद। बालकोहानी ने लिया और खूबसूरत प्लेसिंग आफत की, देख रहे थे बड़ी देर से जगह खाली थी, हालांकि बहुत ही अच्छा प्रयास धर्मेंद्र का लेकिन नाकाम रहे सर्विस चेंज होकर ककराहटा को 2-1 का स्कोर आफत सर्विस मार्ग पे। सर्विस हुई लेकिन ये फिजा में तैरती हुई बाल काफी वाइड निकल गई, सर्विस चेंज होकर फैजाबाद 1-2 धर्मेंद्र सर्व बाल को आगे बढ़ने के लिए आली ने उठानी गई अभिमन्यु राय के लिए, लेकिन यह बहुत अच्छा हैंड दिया अभिमन्यु राय ने और ये निखिल ने, हालांकि थोड़ा सा फॉरवर्ड आते तो बाल लिखत हो सकती थी लेकिन नाकाम रहे 2-1 के स्कोर पर। एक बार फिर ककराहटा सर्विस
बाल को लिया अच्छे ने परफरा वाला, लेकिन तारीफ करनी होगी आली की। बात समझ में आ गई है, फैजाबाद के कोर्ट में आगे बढ़ते हुए धर्मेंद्र ने बाल को लिया और ये निखिल दबाए गए, जिसके नतीजे में एक पॉइंट और कर्नाटक को 9.3-1 3-1। ये दूसरा सेट, पहले सेमीफाइनल का दूसरा सेट, बाल को लिया अंकित ने, बाल संभल गई अभिमन्यु राय, लवली डिफेंडेड बाई आई है, सरफराज के लिए उछाला गया और सरफराज ने एक लंबा टच आउट कराया और सर्विस को अपने नाम किया। 1-3 के स्कोर पर फैजाबाद बटालियन सर्विस। धर्मेंद्र धीरे धीरे सर्विस मार्क पे, निखिल टू सर स्मैशिंग सर्विस, बाल को लिया अभिमन्यु राय ने, अभिमन्यु राय स्ट्राइक पे और हल्का स्मैश, सिर्फ टेप करके बड़े आसानी से चेंज लिया सर्विस को अभिमन्यु राय ने। 3-1 के स्कोर पर ककराटा एक बार फिर सर्विस के लिए तैयार। अच्छी सर्विस, अच्छा पास आलम और बहुत अच्छा स्मैश, आलम का आम कलाई घुमा दिया कलाई को, लेग साइड का खूबसूरत कनेक्शन सरफराज आलम का, सर्विस पे एक बार फिर फैजाबाद। निखिल टू सर्व, मुकुल घोष ने बाल को लिया, हल्का टेप किया थर्ड लाइन में, बाल को बड़ी खूबसूरती से दबाया और ये लाइन चार्ज किया गया फैजाबाद के खिलाड़ी का, जिसके नतीजे में सर्विस एक बार फिर चेंज होकर ककराटा को। ये सेमीफाइनल और फाइनल पहले से अनाउंस किया गया है, 5 सेटों पर ये मुश्तमिल होगा। ये दूसरा सेट हो रहा, पहला सेट ककराटा के फेवर में, सर्विस अंडर नेट। बहुत अच्छा पास अली, लेकिन इस बार अली दबाएगा, लेकिन बाद फिर सबलती हुई और मुकुल ने गलती की, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा। 2-3 अच्छी सर्विस, अच्छा पास उछाल दिया मुकुल के लिए, लंबा हिटन और किसी भी डिफेंडर के लिए कोई मौका नहीं, सर्विस एक बार फिर से जोकर का कराटा। अब्दुल्ला आसद धीरे धीरे सर्विस 3-2 के स्कोर पर, अब्दुल्ला काफी कंटेस्ट हो रहा है। पहले सेमीफाइनल में धर्मेंद्र ने बाल को दिया और ये फ्लोटिंग लिस्ट पर कलीम, हाफिज कलीम साहब का कराटा, यहाँ कमेंट्री बॉक्स में आ जाए हाफिज कलीम का कराटा और ये इशारा लंबा टच आउट कराया अंकित ने। सर्विस में फैजाबाद 2-3 आतिफ, लेकिन बाल संभल गई और ये लंबा ड्रा दिया, बाल संभलती हुई लिफ्टर के हाथ में और ये डेट लास्ट वंडरफुल ब्लॉक भाई अंकित, और इसी के साथ दोनों टीमों का स्कोर बराबर 3-3। डोंगरा बटालियन फैजाबाद सर्विस है, अच्छी सर्विस, बाल संभली, बाल को संभाल लिया अच्छे ने मुकेश टू आलम, लेकिन वहां मौजूद थे आते असद आए, उछाल दिया है निखिल के लिए, लेकिन बाल फिर संभलती हुई आई है, लंबा क्रॉस किया अक्षय कुमार ने, बाल को लिया आगे बढ़ते हुए आली ने, असद आतिफ के लिए लवली हैंड बाई आतिफ, ग्लोरियस शॉट बाई मोहम्मद आतिफ, सर्विस चेक 3-3। आलम और ये संभल गई कि और फिर आ गई है फैजाबाद के कोर्ट में, रिबाउंड लिया वहां बढ़ते हुए आलम ने, फिर उछाली गई अक्षय कुमार के लिए, डिफेंडेड बाई हस्तान,
बालूशाली के मुकुल के लिए, और मुकुल ने बड़ा खूबसूरत फेंक दिया और इस शॉट पे पूरी दाद हासिल की शाही किंग की। 4-3 4-3। आइए इलेक्ट्रीशियन यहां आ जाए कमेंट्री बॉक्स में। इलेक्ट्रीशियन तीन चार अच्छी सर्विस अच्छी शॉट मुकुल के लेग साइड में खूबसूरत स्मैशिंग मुकुल सिंह के। 4-3